नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। खबर तेंदुखेड़ा से, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के निर्देश अनुसार तहसील तेंदुखेड़ा के गायत्री परिजनों के द्वारा कोरोना जैसी भयंकर महामारी को देखते हुए उसके बचाव के लिए घर घर प्रतिदिन गायत्री यज्ञ किया जा रहा है। 26 मई को सभी से निवेदन किया जा रहा है कि अपने अपने घरों से कोरोना महामारी को भगाने के लिए गायत्री यज्ञ करें। तहसील तेंदुखेड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा संवेदन करते हुए सभी से अपील भी की जा रही है कि घर में प्रतिदिन यज्ञ करें, जिससे वातावरण शुद्ध होगा, लोगों को प्राणवायु मिल सकेगी। आज कार्यकर्ताओं ने पांच गांव में गुरुदेव का संदेश भी दिया और यज्ञ अनुष्ठान किया। प्राचीन ऋषि परंपराओं में यज्ञ का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसी को हमारे यहाँ शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के मार्गदर्शन में ब्रह्मचर्य संस्थान में 200 से भी अधिक बीमारियों पर गहन रिसर्च करके यज्ञ पैथी का प्रयोग चलाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में हमारे यहाँ जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है, इसके शमन हेतु शांति कुंज के द्वारा एक विशेष आध्यात्मिक प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। विगत दो वर्षों, पिछले वर्ष भी किया गया था, इस वर्ष भी आगामी 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन समूचे राष्ट्र में लगभग 25 लाख घरों से भी अधिक घरों में ये यज्ञ प्रयोग किया जाना है। घर घर में यज्ञ के माध्यम से हम सब लोग उस दिन आप प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र का जप के माध्यम से 24 आहुतियाँ विभिन्न औषधियों के माध्यम से, जैसे गिलोय है, कपूर है, हवन सामग्री है, गाय माता का घृत है, इसके माध्यम से छोटे छोटे हवन करने का लक्ष्य बताया गया है। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने नर्मदा मैया के क्षेत्र के सिमरिया, बारहा, पहली, इमलिया आदि गांवों में लगभग 5 गांवों में ग्राम प्रवज्जा करके लोगों को यज्ञ का महत्व बताया, साथ ही उनको यज्ञ के लिए प्रेरणा दी। कितने गांव जाने का लक्ष्य है? हम लोगों का लगभग पूरे आने वाले 15 दिन के अंदर हम लोग तहसील के एक गांव में लगभग 1000 से अधिक घरों में इस यज्ञ करने का लक्ष्य रखा गया है। दूरी के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने आज पूरी शासन के जो निर्देशों का पालन करते हुए डिस्टेंस बनाते हुए इसको ग्राम प्रवज्जा करके चलित प्रयोग किया है। यज्ञ के माध्यम से यज्ञ का धूल जो है पूरे वातावरण को गली गलियों में इसको यज्ञ करते हुए आहुतियाँ देते हुए इसको हमने किया है। और ये कुंड हम लोगों ने लेके गए थे, लगभग हम लोग हमारे गायत्री परिवार के युवा कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक किया। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।